हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन लाए हैं। यहाँ पर दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 41, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। हमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते क्या हैं, ये दोनों साइड, यह जो इक्वेशन है इसके दोनों साइड हम होल स्क्वायर करते हैं। तो होल स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू, ये हो जाएगा 81। इसके आगे देखिए, इसका वैल्यू दिया है 41, तो यहाँ पर लिख देते हैं 41, सो वाई इक्वल टू 81। अब इसके आगे देखिए करते क्या हैं, 41 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2xy इक्वल टू 81 माइनस 41, यानी कि 2xy इक्वल टू हो जाएगा 40। ठीक है, अब हम एक नया फार्मूला है, क्या है कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसी तरह इसका वैल्यू कितना है, दिया है 41, तो लिख देते हैं 41 माइनस 2xy कितना दिया है, यह दिया है 40, यहाँ लिख देते हैं 40। ठीक है, अब माइनस तो आ जाएगा 1, यानी कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर है 1, तो हम कह सकते हैं एक्स माइनस वाई इक्वल टू आ गया 1। ठीक है, 1 प्लस माइनस में, प्लस और माइनस में। अब देखिए, ये एक यह क्वेश्चन हो गया, एक ये वाला, इन दोनों को एक साथ लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। अब इन दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं, माइनस हो गया, यह प्लस हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, ये ऐड हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये 2y हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, यानी कि y इक्वल टू हो गया कितना, 4। ठीक है, अब y का वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखते हैं, यानी कि x माइनस 4 इक्वल टू है 1, माइनस ये इधर जाएगा प्लस में, x इक्वल टू 1 प्लस 4, यानी कि x इक्वल टू क्या मिला, 5, और y बराबर क्या था, 4। ठीक, अब हम चलते हैं, चूँकि ये प्लस वाला वैल्यू है, अब हम माइनस वाला वैल्यू लेंगे। अब हमने माइनस वाला वैल्यू लिया, अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, इसको भी माइनस करते हैं, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, यह प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, 2y इक्वल टू ये 9, 1 10 हो जाएगा, यानी कि y इक्वल टू हो गया 5। y का वैल्यू इसमें रखते हैं, तो x माइनस वाई कितना है, 5 इक्वल टू माइनस 1, माइनस में इधर आएगा प्लस में, x इक्वल टू माइनस 1 प्लस 4, तो x इक्वल टू आ जाए, सॉरी 5, x इक्वल टू आ जाएगा 4। ठीक है, तो हमें दो वैल्यू मिले, एक तो x बराबर क्या मिला था, एक x बराबर मिला था 5, और ये दूसरा क्या मिला, 4, और y बराबर हमें मिला था 4, और दूसरा क्या मिला, 5। तो यही हमारा राइट आंसर है।